हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाय विद क्राफ्टसविला। मैं आपका दोस्त अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि त्यौहार पर। और आज उसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति है जो खुद एंटरप्रेन्योर है, फैशन इन्फ्लुएंसर है और टीचर भी है। उनका नाम है कृष्णा थलेसा। वेलकम कृष्णा टू चाय विद क्राफ्टसविला। थैंक यू, थैंक सो मच अभिषेक फॉर कॉलिंग मी ऑन चाय विद क्राफ्टसविला। आप इतने से रोल प्ले करते हो अपनी लाइफ में, तो आपके बारे में कुछ थोड़ा बता दीजिए हमें। श्योर, आपने बहुत सही कहा है कि सारे रोल्स को एक साथ में प्ले करना, मतलब एक डेली लाइफ में एंटरप्रेन्योर होते हुए, फैशन इन्फ्लुएंसर होते हुए और टीचिंग, ये सब कुछ एक साथ में करना एक डिफिकल्ट हो जाता है। बट हमारे यहाँ, मतलब इन जनरली, मेरा ये मानना है कि फीमेल्स मल्टीटास्किंग पर्सनालिटीज होती हैं, जिनको एक टाइम पे अपना घर भी संभालना होता है, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, अगर वर्किंग है तो ऑफिस भी जाना होता है, और सबको साथ में लेके चलना ही एक फीमेल की खूबी है। अगर मैं कहूँ अपने बारे में, तो जब भी मैं छोटी थी, आई थिंक स्कूल में जब भी थी, तभी मैं ये सोचती थी कि यार मैं ना कुछ ऐसा करूँ या ऐसी पढ़ाई करूँ जो आर्ट से रिलेटेड हो। और मुझे हमेशा से ही अपने खुद से एक चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, चाहे वो फैशन हो और मीडिया। तो मुझे हमेशा ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था, फैसिनेटिंग लगता था। तो तभी से मैंने ये सोच लिया था कि चाहे मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मैं खुद का कुछ करूँगी। जैसे कि कुछ लोगों की माइंडसेट होती है कि यार मैं बड़ी होंगी तो सीए बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। तो तभी से मेरे दिमाग में ये था। जब जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाई करती गई, तो इट्स लाइक मुझे मेरे गोल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए और रास्ता निकलता गया, और आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, और इसके साथ में मैं एक टीचर भी हूँ। जैसे आप बिलोंग करते हो गुजरात से, वहाँ पे नवरात्रि बहुत अलग ही मनाई जाती है, तो हमें कुछ बताइए ना प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल। जब हम बात करते हैं गुजरात और नवरात्रि की, तो दे आर टू इनसेपरेबल पार्ट्स। गुजरातियों में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे वो ओल्ड एज ग्रुप से लेकर यंगस्टर से ले लीजिए। जो उत्साह जो है वो बहुत ही भर के है, और वो दिन भर दिन लोगों में और बढ़ता जा रहा है। ना कि ये कि पहले जो हमारे पूर्वज जिस तरीके से उसको सेलिब्रेट करते थे, और आज यंग जनरेशन में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है। जिस तरीके से वो उतने उत्साह से सेलिब्रेट करते थे, हमारी आज की यंग जनरेशन भी उसको उसी उत्साह के साथ में सेलिब्रेट करती है। हमारी नवरात्रि का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है गुजरात में गरबा, जिसके लिए तो लोग पागल है, मतलब कि जितना कहे उतना कम है। हाँ, उत्साह तो मैंने भी देखा है, मिडिल एज के बंदे हो या फिर यंगस्टर्स हो, दोनों सेम उत्साह से खेलते हैं। और मेरा एक फ्रेंड तो इतना पागल है नवरात्रि के लिए, उसने 9 दिन छुट्टी लेके रखी है। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि नवरात्रि और गरबा का रिलेशन क्या है। जी जरूर। हमारे गुजरात में माँ अम्बा को बहुत माना जाता है, बहुत पूजा जाता है। कहा जाता है कि माँ अम्बा ने महिषासुर के साथ में 9 दिन और 9 रात लड़ाई करी थी, और 10वें दिन पे जब उनकी महिषासुर को वध करके जब जीत हासिल की थी, वो दिन को दशहरा कहा जाता है। तो ये जो 9 दिन जो है नवरात्रि के, उसमें हम माँ अम्बा की पूजा अर्चना करते हैं, और गरबा है बेसिकली एक आराधना है जो हम गाते हैं। ओके, और लोग गरबा गाने के साथ में गरबा परफॉर्म करते हैं, गरबा करते हैं ताकि वो माँ अम्बा को खुश कर सके। तो गरबा का ये इम्पोर्टेंस है गुजरात में नवरात्रि के साथ में। जैसे आप फैशन इन्फ्लुएंसर हो, तो गरबा के लिए कुछ फैशन टिप्स दे दीजिए हमें। श्योर। बेसिकली गरबा खेलने के टाइम पे लोग ज़्यादा ट्रेडिशनल जो है गरबा, गुजराती अटायर जो बोलते हैं हम, मेंस के लिए वो है केड़ियो, और लड़कियों के लिए होता है घाघरा चोली और दुपट्टा। ये जो होता है अटायर है जिसको, मतलब बेसिकली पहन के ही गरबा खेला जाता है, ताकि जब गरबा खेलते हैं तब तो उस जो फ्लेयर जो है वो उठता है, और उसको देखने का नज़रिया ही कुछ बहुत अलग होता है, और वो एक बहुत ही लुभावना होता है। बट हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम हमारे ऑफिस है या बाकी के सारे काम करके जब गरबा खेलने जाते हैं, तो इतना हैवी अटायर पहनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। नवरात्रि के 9 दिन अलग कलर्स लोग पहनते हैं। अगर आपके पास वो 9 दिन के कलर पैलेट्स ऑलरेडी है, तो आप पूरा प्री प्लान कर सकते हैं। हमारे रेगुलर लाइफ में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हर दिन ट्रेडिशनल टिपिकल चनिया चोली घाघरा पहनकर रोज रेडी होकर गरबा खेलना। सो जब ऐसे सिचुएशंस आती है, तब हम अपने आप को कैसे इथनिक और नवरात्रि का लुक दे,
जब मैं बात करूँ लड़कियों की, तो लड़कियाँ अपने वार्डरोब में जो भी प्लाजो पैंट्स है उनको डाल सकते हैं, प्लाजो पैंट्स के ऊपर आप नॉर्मल टॉप डाल लें, यू नो, और अगर आपके पास धोती पैंट्स है तो धोती पैंट्स के ऊपर आप एक टी बैग या फिर एक जैकेट डाल लें, और थोड़ी सिल्वर और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहने तो ये पूरा कंप्लीट नवरात्रि लुक दे सकती है। लॉन्ग कुर्ती हो गए हैं, कुर्ती ड्रेसेस हो गए हैं, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथनिक वेयर है जो हम यू नो अगर नवरात्रि के 9 दिन पहने तो हर एक दिन एक अलग लुक हो सकता है। दूसरी टिप्स में अगर आपको देना चाहूँगी कि अगर आपके पास ज़्यादा डार्क कलर्स है तो आप थोड़े लाइट कलर्स यूज़ कर सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एकदम डार्क प्लेन कलर्स है तो आप उस पर थोड़े और ब्राइट कलर्स, जैसे कि अगर लड़कियों के पास में एकदम ब्लैक्स और ब्लूज और ब्राउन्स और मरून्स है तो वो बांधनी के कलरफुल दुपट्टे हैं उनको डाल सकते हैं, और सिल्वर ऑक्सीडाइज और यू नो गोल्डन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन के एक परफेक्ट नवरात्रि लुक दे सकते हैं। अगर लड़कों की बात करूँ तो डेनिम्स हम हमारे यू नो डेली लाइफ में एनीवेज पहनते हैं, तो अगर हम डेनिम्स अगर आप डेनिम्स के ऊपर एक कुर्ता पहने प्लेन या सॉलिड कलर वाला और उसके ऊपर आप नेहरो जैकेट पहन ले तो हो गया, आपके लिए भी नवरात्रि लुक रेडी। सो ऐसे ही ये छोटे छोटे यू नो मान लो कि प्लाजो पैंट्स है या लॉन्ग कुर्ती ड्रेसेस है या लॉन्ग कुर्ती है या फिर धोती पैंट्स है या दुपट्टा है या सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है या फिर मेन्स वेयर जैकेट है, ये सारी चीज़ें आपको craftsvilla.com पे बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाएगी और वो भी एकदम बेस्ट प्राइसेस पे। सो आप craftsvilla.com पर विजिट करना ना भूलें। वाओ, दिस विल रियली हेल्प आवर व्यूअर्स। थैंक्स फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन विद अस। थैंक यू सो मच अभिषेक। अभी आपको पता चल ही गया होगा कि आपको कैसे तैयार होना है, क्या करना है, नवरात्रि के लिए जो नौ रंग है उसमें आप कैसे तैयार होगे, फिर उसके साथ आपको जो भी मैचिंग है आप पहन सकते हो। इसी तरह से हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।